इधर उधर क्या देख रहे हैं, इधर उधर क्या देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जल्दी करिए। हाँ हाँ, अरे बेल आइकन मिस कर दिया। रणवीर सिंह का सिनेमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी गजब है, मतलब 5 महीने में फ्रॉम वो पहुंच गए यहाँ। सबकी का चीर देने वाली टीम बनाएंगे। तो अगर आप लोग भी फ्री में देखना चाहते हैं डेडपूल या कोई भी और मूवी, तो स्टे ट्यून, क्योंकि एक छोटा सा आंसर आपको गारंटीड विनर बना सकता है। जी हाँ, गारंटीड। वेलकम टू देसी मार्टिनी स्पेशल फ्राइडे फ्लेक्स प्रेजेंटेड बाय चेज बेड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर्स ऑक्शन साइट। वनो टू नॉट आउट और राजी के बाद इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पे कोई मेन स्ट्रीम बॉलीवुड ऑफरिंग नहीं है, और इसका पूरा फायदा उठाया है वर्ल्ड के सबसे किकैस और मैड कैप सुपर हीरो डेडपूल ने। इसकी मां का साकीना का। इन्फिनिटी वॉर के बाद मार्वल की ये फिल्म भी इंडिया में बहुत पॉपुलर है, और रणवीर सिंह की डबिंग के बाद तो ऑब्वियसली हाइप काफी बढ़ गया है। डेडपूल हर किसी की कप ऑफ टी नहीं है, लेकिन जिसकी भी है दे आर क्रेजी अबाउट इट। आर एमजे जीना बंदोपाध्याय गेव द फिल्म 4 stars एंड रोट ऑन देसी मार्टिनी, द फिल्म इज थॉरली एंटरटेनिंग एंड विल कीप यू हुक्ड टू योर सीट्स। इवन दो डेडपूल दिस टाइम इजंट एज किकैस एज ही वाज इन द फर्स्ट पार्ट, ही इज फनी नेवर्थलेस। द इंडिया कैरेक्टर इन द हिंदी वर्जन इज बैंग ऑन। हमारी हिंदी एमजे उषा श्रीवास ने दूसरी तरफ फिल्म देखकर देसी मार्टिनी हिंदी पर लिखा, रणवीर सिंह की आवाज और रायन रेनॉल्ड्स की धमाकेदार एक्टिंग से भरी ये फिल्म फुल पैसा वसूल है। रेटिंग है 4 stars। सो देयर यू हैव इट, इन्फिनिटी वॉर की सुपर सक्सेस के बाद अब शायद डेडपूल भी इंडिया में एक और हॉलीवुड सुपरहिट बनने वाली है। बेस्ड ऑन इनिशियल 2000 रेटिंग्स ऑन देसी मार्टिनी, तो फिल्म इज करंटली प्लेस्ड एट 3.2 stars। आपको फ्री में मूवी दिखाने का हम अपना प्रॉमिस भूले नहीं है, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारे दो मूवी जॉकीज जो लड़ रहे हैं इस बात पे कि whether you should watch Deadpool or not। दुपिंदर, इतनी सैड क्यों बैठी है? हम सबकी गांड चीर देने वाली टीम बनाएंगे। इन्फिनिटी वॉर से भी ज्यादा अच्छी लगी मुझे डेडपूल, और मैं फायदा आपको बताने वाला हूँ why you should absolutely watch this mad superhero movie। इसका पागलपन देख रहे हो, ऐसे ही पागल लोगों को पसंद आने वाली है डेडपूल। हाय, आई एम पल्लवी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई यू शुडंट रियली वॉच डेडपूल, एंड जस्ट सो यू नो हमने मूवी हिंदी में देखी है। हाँ, रणवीर की फैन, मतलब राइटर्स ने इतने अच्छे से डायलॉग्स लिखे कि आप अपनी सीट पे सेटल भी नहीं हो सकते। अनंत मणि देना थानोस, 2000 के नोट से लेके मोदी जी के अच्छे दिन तक हर चीज पे जोक है। इतने एफर्ट्स की भी कोई जरूरत नहीं थी। मूवी को देखकर लगता है कि डायलॉग स्टोरी के अराउंड नहीं, स्टोरी डायलॉग्स के अराउंड लिखी हुई है। ओवरडोज था बिल्कुल। तो बिरयानी है क्या, फनी डायलॉग्स भी स्वाद अनुसार चाहिए। हाँ। फिल्म एक कंप्लीट एंटरटेनर थी, मैड एंटरटेनर। ऐसी मूवीज भी होनी चाहिए जहां पे आप सब कुछ भूल के सिर्फ मूवी एंजॉय करते हो। ओवर ड्रामेटिक थी यार, कुछ कुछ सीन तो इतने स्ट्रेच थे कि पेशेंस टेस्ट हो रहा था। स्पॉइलर नहीं दे सकती, लेकिन एक पॉइंट पे आके लग रहा था ये हो क्या रहा है भाई डेडपूल। इतनी विविड प्रेजेंटेशन है मूवी की मजा ही आ गया। एग्जाम्पल डेथ सीन्स, डायरेक्टर ने इतनी सारी डेथ्स इतने फैसिनेटिंग स्टाइल्स में एग्जीक्यूट करी हैं कि आपने कभी पहले से देखी ही नहीं होगी। अबे किसका दिल खुश होता है डेथ सीन देख के, इसी से मेरा सर दर्द हो गया था। ब्लड शेड, मर्डर, डेथ्स, सब कुछ स्टाइलिश वे में, ट्रस्ट मी इट्स अ टर्न ऑफ। अब इस पॉइंट को तो काउंटर मत करना भाई। रणवीर सिंह, बंदे ने क्या एनर्जी डाली डेडपूल के कैरेक्टर में। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई कर सकता था हिंदी में अडैप्ट। आधे से ज्यादा डायलॉग्स तो उसने अपने स्टाइल में बोल के फनी बनाए थे। सुपर हीरो नहीं, सुपर हीरा है लड़का। मुझे रणवीर अच्छा लगा, बट मूवी में डेडपूल कम और रणवीर ज्यादा था। वो अपने कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आया। ए डुपिंदर, डुपशुप तो लेके नहीं आई ना। फिल्म की ट्विस्ट एंड टर्न्स, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड सुपर एंगेजिंग कंटेंट ही डेडपूल की विक्ट्री है। मतलब ट्रस्ट मी गाइस, एक लौता सुपर हीरो है वर्ल्ड का जो खुद को सीरियसली लेता, तो फिर हम क्यों सीरियसली लें? ट्विस्ट एंड टर्न्स, अगेन नॉट टू गिव यू एनी स्पॉइलर्स, लेकिन मूवी के क्लाइमेक्स तक आते आते आपको लगेगा ये चल क्या रहा है भाई। तुझे जिंदगी की एक एडवाइस दूं, भाग भूल के आंधी आई, ऐसा वो बोला मूवी में। डेडपूल के फैंस थिएटर में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए देखते हैं डेडपूल के ही जैसे एक अनअपोलोजेटिक ऑडियंस रिएक्शन। और इससे पहले कि आप मुझे मारने के लिए आ जाओ, टाइम टू चीज अ बिट एंड आंसर दिस क्वेश्चन, जिससे आप जीत सकते हैं अपनी पसंद की किसी भी मूवी के फ्री टिकट्स। विच इज शाहरुख खान हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम? ए हैप्पी न्यू ईयर, बी रईस, सी माय नेम इज खान, और डी चेन्नई एक्सप्रेस। अगर आपको आंसर पता है तो ट्वीट कीजिए अपने आंसर टैगिंग देसी मार्टिनी @DMovies।
टू नॉट फॉरगेट टू यूज द हैशटैग फ्राइडेफ्लिक्स विद चेज़बिट। और अब वक्त है इस हफ्ते के हाइलाइट्स देखने का, जहां भाईजान से लेकर बहुत कुछ आपका वेट कर रहा है। Hi guys, this is Udaya and I'm back again with the top highlights of this week. So let's start. Salman Khan ki highly awaited film Race 3 ka trailer 15th May ko release hua and as expected from a bhai film, it is trending like crazy. Film mein Salman Khan kaafi saare stunts karte hue dikhenge and ab ye dekhna interesting hoga ki kya ye film Tiger Zinda Hai ka record tod payegi ya nahi. Bollywood singer and composer Himesh Reshammiya got married to his long time girlfriend Sonia Kapoor last Friday. Sonia ne Kaisa Ye Pyar Hai, Yes Boss aur Remix jaise TV serials mein kaam kiya hai. Shaadi mein Bollywood se koi bhi invited nahi tha and parents of the couple and swayam Himesh's son from his first marriage attended the ceremony. At the 71st edition of the Cannes Film Festival, Bollywood actresses Sonam Kapoor, Aishwarya Rai, Deepika Padukone and Mahira Khan walked the iconic red carpet and wowed everyone with their outfits. कांस में ही सोनम कपूर एंड माहिरा खान की मीटिंग की पिक भी वायरल हुई और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मंटो का प्रीमियर हुआ जिसे काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले। और रणबीर कपूर और अजय देवगन साथ आ रहे हैं एक फिल्म में। लव रंजन, हु इज नोन फॉर डायरेक्टिंग फिल्म्स लाइक प्यार का पंचनामा 1 एंड 2, सोनू की टीटू की स्वीटी, विल डायरेक्ट दीज टू सुपरस्टार्स और फिल्म की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट इज इन 2019। इतना ज्यादा टैलेंट इन्वॉल्व है इस फिल्म में, देखना पड़ेगा मोनोलॉग रणबीर बोलेगा या अजय। So friends, that's all for today and I'll see you next week with all the major highlights of the week. Aur kahin mat jaiye as there is a lot more on Friday Flix presented by ChaseBid, world's largest reverse auction site. Just remember, the lowest unique bid wins. Razi 102 not out and Deadpool ka box office pe kya haal hai? Time to check it out with Ab Hai. Hi guys, welcome back to another edition of Friday Flix box office. Let's take a look at the numbers that have made headlines this week. Let's start with the Alia Bhatt starrer Razi. जहाँ मेरे घर वाले हैं। इस फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो गया है बॉक्स ऑफिस में और खबर काफी अच्छी है। द फिल्म हैज मैनेज्ड टू क्रॉस द 50 करोड़ मार्क एंड इज गोइंग स्ट्रॉन्ग सो फार। असल में बात यह है कि स्पाई जॉनर की फिल्म्स इंडिया में काफी हिट और मिस होती हैं। बट गिवन द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस एंड द वर्ड ऑफ माउथ दैट दिस फिल्म हैज गार्नर्ड, इट हैज एंश्योर्ड दैट इट रिमेन्स अ सक्सेस। क्या ये फिल्म 100 करोड़ तक पहुंच सकती है? वी विल हैव टू वेट एंड सी। बट क्लियरली हम ये तो डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये फिल्म जरूर हिट होगी। कमिंग टू 102 नॉट आउट, द अमिताभ बच्चन एंड ऋषि कपूर स्टारर कंटिन्यूज टू गो स्ट्रॉन्ग इन इट्स सेकंड वीक एट द बॉक्स ऑफिस। अरे बाप रे, हिंदी में नहीं लिखा। इस फिल्म ने 40 करोड़ कमा लिए हैं और धीरे धीरे 50 करोड़ की ओर जा रही है। बट कंसिडरिंग दैट इट्स गोइंग इनटू वीक 3 एंड द अदर मूवी रिलीजेस इंक्लूडिंग डेडपूल 2 scheduled for this week, हम predict कर सकते हैं कि ये फिल्म 50 करोड़ के आसपास जाके रुकेगी। Now coming to the big release for this week, it's another Hollywood film in the form of Deadpool 2. चल बजाते हैं। The first part of this film was quite successful in India and managed to garner almost 30 to 40 crores in its lifetime. Of course, उस time पे Deadpool एक काफी new superhero था Indian audiences के लिए। What's more, ये film Hindi में भी release होगी। Now considering all of this, Deadpool 2 should open on Friday with estimated collections of about 8 to 10 crores, rising up to 25 to 30 crores for the opening weekend. Considering that it's got no real competition from Bollywood this week, we feel it'll do quite well over the weekend. And that's all we have for you in this edition of Friday Flix Box Office. Ranveer Singh aur Ryan Reynolds ne milke Twitter pe kitne dil jeete hain? Chaliye dekhte hain Twitter reactions. And before we sign off, time for trivia. Nawazuddin Siddiqui today can give the best of Bollywood stars a run for their money with his performance, but the actor had made a humble start in Bollywood and is incredibly a simple person in real life. In fact, the actor who had to kiss his co-star Niharika Singh in his film Miss Lovely revealed that it was the first time he ever kissed anyone in his life and had not even kissed his wife. The actor turned 44 this week. So that's all we have for you in this week's episode of Friday Flix presented by ChaseBid, world's largest reverse auction site. If you plan to watch Deadpool, do not forget to rate and review the movie on DC Martini. Also, do check out our Race 3 trailer reaction and trailer breakdown. We'll see you next week and until then, just remember, critics don't review a movie, audiences do.